मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसने मुझे इल्म अता किया। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अहम और बहुत ही आसान है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फेसबुक का कवर पेज या बैनर। अगर आपके पास कोई पेज है, आप पेज को चला रहे हैं या अपनी आई डी पे कवर फोटो लगाना चाह रहे हैं, और या आपके पास चैनल है, चैनल के लिए आप अपना कोई कवर फोटो या थंबनेल वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियो को 2 मिनट तक महदूद कर सकूँ। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ से हम करेंगे कैनवा। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैनवा पे किस तरह लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद ही हम इस पर काम कर सकते हैं। इस पर दोस्तों सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा क्रिएट अ डिज़ाइन। जब इस पर क्लिक करेंगे हमें ये मुख्तलिफ साइज बता देगा। अगर हमारे पास कोई डिज़ाइन है, कस्टम कस्टम उसकी लिमिट्स हैं तो वो भी हम तय कर सकते हैं। और हमने जाना है फेसबुक कवर पर, ठीक है, तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोस्ट क्रिएट करने पोस्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक कवर फोटो बनाना तो फेसबुक कवर फोटो मैं आपको आज फेसबुक कवर बनाना बताऊँगा। चलो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे व्यू करोगे दोस्तों, आपको बताता चला जाऊँ कि इस यहाँ पर हमारे पास दो तरह का मटेरियल होता है, यानी कि एक हमें पेबल होता है और एक फ्री में होता है। हमें फ्री में काम करना है तो फ्री वाली तस्वीरें हम लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ से हम टेम्पलेट, अगर हम टेम्पलेट वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो टेम्पलेट पे ये क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास कोई तस्वीर है या वीडियो है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन से हम अपलोड करेंगे। फ़ोटो है, ठीक है, एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, वीडियो, कोई भी हम टैबलेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम तस्वीरें देख लेते हैं, बैनर पोजिशन, क्योंकि हमने अपना साइज़ देख लिया पीछे से फेसबुक कवर का, वो साइज़ हमने तय कर लिया है। अब साइज़ तय करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे एक फोटो के हवाले से बैनर बनाना है। हमें सिंपली क्या करना है, और इस टेक्स्ट को इसे हम चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखें अपनी बात चेंज करूँ, मैंने उर्दू की हुई थी अभी, ठीक है। और यहाँ हम जो टाइमिंग भी शो करते हैं, और आप अपने शॉप का कोई स्लोगन भी लगा सकते हैं, दुकान का नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने ऊपर शॉप का नाम लिख दिया, मेरा एक पेज है ऑनलाइन अली फूड के नाम से, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये पेज बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम टाइम लिख रहे हैं कि कब तक हमारी कैंटीन और ये शॉप या रेस्टोरेंट कितने बजे तक ओपन हो तो मिलता है, ठीक है। हम लिखेंगे 5 PM से 7 PM है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बाद हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दें, ठीक है, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर एड्रेस और टाइमिंग लिख सकते हैं, ये कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा 2 मिनट में क्रिएट हो चुका है, थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लें, ठीक है, और इसे भी यहाँ से जस्टिफाई से कर लें, ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा जस्टिफाई कर लें, ये हो रहे हम। अच्छा दोस्तों, इसके बाद आप उस पर और भी अगर कुछ लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब हम करने जबकि हमने सारा कुछ तैयार कर लिया, हमने लास्ट वाला स्टेप हमारा है ये तस्वीर डाउनलोड करना। दोस्तों एक बात अपने ध्यान में रखना कि ये ऑनलाइन काम है ना कि ऑफलाइन, सर ऑनलाइन काम हो रहा है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया,
अब आखिरी स्टेप पर हम जाते हैं। आखिरी स्टेप ये है कि हम इस फैसले को किस तरह हासिल कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ये है कि हम यहाँ टर्नआउट वाले बटन को ट्रिक करेंगे और यहाँ पर हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये तस्वीर ये बैनर पीडीएफ में चाहिए पीडीएफ में चाहिए, डायरेक्ट प्रिंट चाहिए डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, जीपीजी में चाहिए जीपीजी में ले सकते हैं, और पीएनजी अगर चाहिए तो वो पीएनजी में भी ले सकते हैं। मैं जीपीजी में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे दोस्तों। अगर आप पेएबल चीज़ तस्वीर वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो उसको डाउनलोड तभी आप करेंगे जब उसके लिए आप अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसलिए ही फ्री वाली पिक्चर्स सेलेक्ट की थी के ताकि हमें पे ना करना पड़े और तस्वीर फ्री में डाउनलोड हो जाए, ठीक है। हर वेबसाइट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, कुछ उन्होंने भी रुकाना होता है, ठीक है। तो आप नीचे ये देख रहे हैं, ये मेरी तस्वीर डाउनलोड होना शुरू हो गई है, तकरीबन ख़त्म होने वाली है डाउनलोडिंग इसकी। तो जैसे ये ख़त्म होती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मेरी तस्वीर आ गई है, ठीक है, जो मैंने लिखा था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों शुरू। तो इसी के साथ हम प्रधानमंत्री जी को इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।